जैसा चश्मे का भाई साहब बिल्ली का क्या कर दिया, ये कैट रोल करा दिया इसमें। सुबह सुबह 6 बज रहे हैं और हम सब रेडी हो चुके हैं बस निकलने के लिए, चाय वगैरह पी रहे हैं। और यीशु भाई, भाई क्या कर रहे हो अब, मुँह धो के साबुन से? ठीक है भाई, निकलते हैं भाई। मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ, मतलब मैंने बस रेडी हूँ, मैं भी ऐसे ही निकलूँगा, घर जाके कपड़े बदलूँगा। ए सी का वॉश हो रहा है, मुझे लग रहा है आवाज़ नहीं आ रही। हुआ चाय में आ रही हमारी बना दी, ठीक है। चावल, अच्छा चावल गर्म कर दिए क्या? सही है, अपना चाय पीते फटाफट से एंड निकलते हैं। बच्चे हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए तैयार, बिना नहाए धोए बच्चा बिना नहाए स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, बिना नहाए। देख लो ये देखो, और ये बच्चा नहा लिया, लेकिन भाई मुझे कह रहा वीडियो मत बनाओ, ये चम्मच देना इशू के लिए। और माधव बॉय स्कूल जाना है, आज जाना पड़ रहा है यार, बच्चा रह गया तू स्कूल जाता अभी तक। कितना टाइम रह गया स्कूल में? डेढ़ साल रह गया। मजा आता जा रहा है स्कूल, अगर भी जा रहा है। बाय बाय माधव, और आ गो जो कहीं बिना टाइम जा रहा है। बाय बाय। और इसके बाल बन रहे हैं अभी, दोनों तैयार हो गए, 7 बज गए। भाई के पहले बाल तो बनवा ले। सो गाइस अभी निकल रहे हैं हम, तैयार हो चुके हैं सारे और 7:05 हो गए। फटाफट गाड़ी में बैठते, इशू चलाया गाड़ी जाते हुए, तैयार करके बैठा इशू हुआ बैटरी के अंदर एंड निकलते हैं। कर रहे हैं अभी हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए एंड अभी हमें लगेगा लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए एंड यार हमें कम से कम 1 घंटा और लगेगा यहाँ से। अभी फिलहाल हम मोहन नगर पहुँच चुके हैं, मतलब गाजियाबाद की साइड का इलाका है ये, और इशू चला रहा है गाड़ी और वो आई है खाली हमारे साथ माधव। करीब करीब 7:15 के आसपास। हाँ वही वही, हम 1.25 घंटे में मोहन नगर पहुँच गए, आगे देखते हैं। 1 घंटे में और पहुँचेंगे गाइस। इतना टाइम हमें दिल्ली तक पहुँचने में लगता ना, उससे ज्यादा टाइम दिल्ली में आके ट्रैवल करने में लग जाता है। एंड फिलहाल अभी माधव हमारे साथ नहीं आया क्योंकि उसका स्कूल वगैरह था, उसे काम थे, तो वो वही है घर पे। और बुआ हमारे साथ आई है, बुआ क्या हाल है? ठीक है, मजा आ रहा है। पता क्या था भाई, पता क्या सीन था, ये ना बस में आ रही थी तो मैंने सोचा कि हमारी बुआ बस में, बस में आएंगी, मैंने कहा चल छोड़ यार इशू मिल आते जाके, और क्या कोई और तो जाएगा नहीं, हमें जाना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों आ गए। आपको पता है मैं पीछे बैठ के भी सीट बेल्ट लगाता हूँ, ये दिखाने के लिए नहीं है, ये मैं लगाता हूँ क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जब ऐसे ड्राइवर चला रहे हो। जब ऐसे ड्राइवर चला रहे हो तो बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। बाकी हमें सामान पड़ा हुआ एक सीट में घेर के बैठा अपने फुल। फिलहाल अभी घर चलते हैं, आपसे घर जाके मिलेंगे। फाइनली 10 बजने वाले और हम घर पहुंच गए हैं। बुआ तो उधर के चली गई है, हमको छोड़ दी यहाँ पे सामान उठाने के लिए। 2 घंटे 20 मिनट पहुंच गया, सही टाइम पे पहुंच गया सच में। अब अपना गाड़ी स्टार्ट है, नॉर्मली थी स्टार्ट है गाड़ी, मेरे को महसूस हो रहा था भाई सामान उतारना हमें सारा यार, अभी सिस्टम है हमारा तो लड़कों का यही होता है, सामान उतारो फिर चढ़ाओ फिर गाड़ी भी चलाओ, ड्राइवर की नौकरी है पूरी, पर क्या करें मजा भी इसी में आता है। पीयूष भाई हमारे लिए कचौड़ी ले आया, भाई मैं थक गया यार तू ले प्लीज यार। भाई पहुंच चुका हमारे लिए घर पे, डैडी से ही मिल लिए और अपना ब्लॉग चल रहा था आज का। जा भाई ले यार प्लीज, राधे राधे। भाई तो ये चक्कर क्यों घुमा रहा है अपना ऐसे? हेलो गला कटेगा ऐसे, कच कच कच। फाइनली गाइस पहली बार पीयूष भाई कचौड़ी लेके आ गए हैं, वैसे तो कुछ काम के है नहीं बंदे। ओ ओ ओ ओ हाथ मत चला, चाय चल रही है साथ में, अपनी कचौड़ियां चेक कर। मजा आ गया साथ में कचौड़ियां चेक हो रही है। सुबह सुबह उठने का दूसरी बार चाय पी रहा हूँ मैं अपने घर पे। चलते गए अभी 12:30 बज चुके हैं, जाके नहा लेता हूँ मैं तो, सुबह से नहाया भी नहीं, बैठा हुआ था जब से आया हूँ, और अभी फ्रेश होते हैं वगैरह जो भी सिस्टम है। कहती हुंदी सी हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। गाइस नया दिन नई शुरुआत, एक बेहतरीन से व्लॉग के साथ कर चुके हैं। शुरुआत थोड़ी सी लेट हो रही है आज क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है बट स्टार्टिंग लेट कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं अब आके वहां से सो गया था, फिर अब तैयार शहर हो गया क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे भाई। सो गाइस अभी एक पार्सल आया था मेरे पास और ये मेरी बहन ने भेजी है, मतलब मेरी मासी की लड़की है एक्चुअली, वो कजन सिस्टर है, उन्होंने भेजी है, दिखाता हूँ आपको खोल के क्या है इसमें। और भाई ये क्या है? अच्छा ये उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करी है, इसने देखो कैसे लिखा है, अभी दिखाता हूँ आपको, मैंने खुद खोल के देखा पैक है, अर्जेंट 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 अर्जेंट। भाई इस खोल के दिखाते हैं क्या है, सारे स्टेपलर पिन खराब हो गई, ऊपर से फाड़ दिया मैंने।
लो जी दो राखी निकली है, केशव की मेरी और एक धागा। ये दो राखी भेजी भाई, राखी तो बहुत प्यारी है। थैंक यू प्रियंका, कैसे लग रही है मम्मी? अच्छी है, मस्त लग, बढ़िया लग रही है। साथ में उसने थोड़ा मीठा में भेजा भाई, बढ़िया है। कल बनवाएंगे इसे, कल दिखाऊंगा आपको। मैं अपने घर पे आके सो गया था, बुआ वहीं सो गई होंगी। शाम के 5 बज चुके हैं, ना कोई हाल ना चाल, अपना सो रही है वहाँ पे मस्त। यहाँ पे आई नहीं है अभी तक हमारे घर पे, अब शाम को आएंगी 6-7 बजे। एक्चुअली तो गाइस आज बड़े दिनों बाद हमने पुराने सेटअप में आया भाई। यहाँ पर तो कितने दिनों से मैं चढ़ा नहीं था, आज थोड़ा बैठ के यहाँ पे काम करूंगा और जब तक बुआ भी आ जाएंगी मैं ऊपर बैठा हूँ थोड़ी देर। ये देख रहे हो बेचारी, ये रिंग लाइट इतना वेट कर रही है। पूरा कमरा ऐसे जैसे पड़ा यार, कोई नहीं आता, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कपड़े पड़े हैं, ऐसी टेबल बस साफ करा मैंने अभी आके, इतना गंद पड़ा टेबल पे भी। क्या कर सकते हैं, जब कोई आएगा नहीं तो ऐसे होता है। 7 बजे गाइस आई है, मैं तो अपनी एडिटिंग कर रहा था ऊपर बैठ के, अभी नीचे आया हूँ। शाम का वक्त है और अरन्य के लिए पकौड़े तले गए थे, पर ये पकौड़े की जगह कर दी मुझे खाने पापड़, तो इसके 2-3 झापड़ लगा के हमने दे दिए थोड़े से पापड़, अब खा रही है मस्त बैठ के। देखो गाइस चाय चेक करते हैं अपने भाई, पापड़ तो खा के रन्ने सारे खत्म कर दिए रन्ने ने, सारे खा गए रन्ने और बैठी ऐसे भोली बन गई। अब भोली बन गई ऐसे कुछ भी ना खाया उसने, झूठ मत बोल। एक कुछ कहा तो हाँ, तो एक तूने पूरी प्लेट खाई है ना। गाइस रक्षाबंधन में ना एक यही फायदा होता है, कुंदन कुछ खाने का आता रहता है, बढ़िया बढ़िया। देखिए उन्होंने इसमें क्या गाइस बादाम आया अपने, ले भाई किसी काम की चीज नहीं है, ये नहीं है काम की। और देख क्या है, कोई मिठाई आई है, खोल के देखना क्या है। अब ये ले जाओ मेरे सामने, वो वापस लग जाएगी, तो बंद कर दो। रसगुल्ले भाई, रसगुल्ले यार, हम तो इतने रसगुल्ले, इतने रसगुल्ले खाते हैं, मैंने चाहिए ये पैक, ये लो मैं पैक है, क्या सील लगाई वापस पैक हो गई। दर्शन कराते हैं आपको आज बड़े दिनों बाद यहाँ के। गाइस गुरुद्वारे में ना भी पाठ हो रहा था, इसलिए कोई था नहीं, खाली पाठ चल रहा था। अभी फिलहाल एक बार पीयूष के घर चलते हैं, मिल के आते हैं उसकी मम्मी पापा, मम्मी और ईशू तो चले गए उसके फरीदाबाद, वहाँ से मिल के आते हैं हमसे। और वाइज मिल के आते हैं अंदर, डैडी नहीं आए अभी तक, डैडी नहीं आए, और ठीक हो? हाँ भाई क्या हाल है, तू तो अकेला आज मस्त मजे करेगा। क्या कह रहे भाई, क्या हो गया? तो मजे आज तू भाई, मैं तेरे साथ सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी आप गए नहीं? ओ भाई ये क्या, मैंने तो पहले कहा जाऊंगा इसको, मैंने समझाया था उधर घुमाया जाए, अच्छा आपने मना कर दिया होगा। नहीं मैंने चेक किया, 4 घंटे का जाम। ओहो 4 घंटे का, रात को रास्ते में कहाँ जाते, कैसा लगा आपको इनका मजाक? गाइस पता क्या हुआ, ट्रैफिक की वजह से कैंसिल हो गया क्योंकि रक्षाबंधन कल है, तो इस चक्कर में रह गया। तो कल जाएंगे, कल जाएंगे, कैंसिल कर दिया, कल जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे। गाइस लोग इतना, आप लोग इतना बाहर के निकलते रक्षाबंधन पे, थोड़ा कम निकला करो ना, रोड पे इतना ट्रैफिक हो रखा यार। ये बेचारा ट्रैफिक का मारा आधे रास्ते से मुड़ के आ गया बेचारा, क्या यार इशू, तेरी किस्मत ही खराब है। अभी मोंटी जी का कॉल आया था, वो घर पे आ रही है, तो फटाफट जाता हूँ, वरना वो मेरे से पहले पहुंच गई ना अगर, तो बोलेंगे तू खुद तो होता नहीं है, मेरे को बुला लेता है, फटाफट चलते हैं। नहीं वो रजौरी आने वाले जो मोमोज खाए थे ना आरती, भाई साहब भाई चलेंगे कल या परसों चलेंगे, एक दो दिन में चलेंगे पक्का। आज कितना जाम हो रहा है यार, घर बैठे हो अपना यार, पूरी रोड जाम कर रखी है आप लोगों ने, कितनी भीड़ है यार देख रहे हो, ऐसा लग रहा है सब लोग एक साथ निकल गए बाहर, अभी पता 10 बज चुके हैं रात के। गाइस अभी मैं घर पे पहुंचा था और यहाँ पे तो मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है, शाह दीदी आई थी। हेलो गाइस, अनन्या मेहंदी लगा रही, तू किस खुशी में लगवा रही है ये? तुम्हें लूटने की खुशी में, घर के काम तो तू राशि ना करती तो और बचना था ना, बहाना भी तो होना चाहिए। गाइस मोंटी जी तो आई नहीं, उनसे पहले मैं आ गया, गाइस मोंटी जी भी आ गई, आपसे पहले आ गया मैं वहाँ बैठा था इशू घर पे, जाओ फोन आया था, मैं भक्ता हूँ यहाँ पे आ गया। रात के 12:20 हो चुके हैं, यहाँ पे अभी तक महफिल चालू है, आधे बंदे भी ऊपर जा चुके हैं, चीनू भाई भी आए यहाँ पे महफिल में अपनी एंट्री लगाने, अनुपमा चल रहा है देख लो, रात को 12:20। सो गाइस यहाँ तो महफिल लग रही है आज रात भर, सुबह जल्दी भी उठ रहा है यार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, इसकी गंदी शक्ल के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल दोबारा बढ़िया, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।